चूजों के लिए जो बच्चे आते हैं पहले पाल में, वो उनके लिए ये ड्रिंकर है। ये कैसे लगता है और कैसे काम करता है, ये थोड़ा आसान है लेकिन बड़े वाले ड्रिंकर में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं दोनों को बता देता हूँ। तो इसमें इसको डायरेक्ट ऐसे बैठा देना है। तो पहले हमें इसमें पानी पूरा फुल कर लेना है और इसको ऐसे रख के बैठा के उसके बाद से इसको उलट के ऐसे रखना है उल्टा, लेकिन ये नीचे नहीं रहेगा, इसका एक ये स्टैंड आता है अलग से, इसको इस तरह से स्टैंड पे हमको रखना है। ये कैसे काम करता है, ऊपर से कहीं भी कटा हुआ या होल नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद से ये पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए इस जगह से, और ये पानी जब यहाँ तक आ जाएगा भर जाएगा तो पानी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमको एयर लेना चाहिए। यहाँ से एयर जब लेगा ऊपर से कहीं से भी, तब जाके ये पानी यहाँ पे आएगा। तो जब तक ये भरा नहीं रहता है पानी, तो नीचे से पानी आता है और हल्के से ऊपर से एयर जा करके नीचे से पानी आने का जगह मिलता है, और जब ऊपर भर जाता है तो ये पानी रुक जाता है। जैसे जैसे पीते जाएंगे एयर लेता जाएगा, पानी बाहर आता जाएगा। ये ऐसे काम करते हैं और ऐसे ही सेटिंग होता है। तो इसका इसमें कितने पार्ट हैं आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। इसमें ये सबसे मेन पार्ट है, इसमें अंदर आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। देखिए ये है रबड़, यही रबड़ हमारा वजन के वजह से जा करके और इस वाले पार्ट में दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट में ये जाकर ऐसे दबता है तो पानी यहाँ से यहाँ नहीं निकलता है। ये सबसे इसमें मेन पार्ट है। इसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमें इस डब्बे में पानी या बालू भर के रखना है, उसके बाद से इस वाले हिस्से को इसमें डाल करके और इसमें इसे ठीक से टाइट कर लेना है, यहाँ पे बराबर चूड़ी थ्रेड देख करके इसको टाइट करने के बाद हमें ये दो एल मिलेंगे वाइट कलर के, इसको यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। ये दोनों तरफ से बैठ गया। अब इसको ये देख रहे हैं, ये खांचे यहाँ पे कटे हुए हैं दोनों तरफ से, इसको यहाँ पे रख के जोर से दबा के और ऐसे घुमा देना है। देखिए ये लॉक हो गया यहाँ पे दोनों तरफ से, अब यहाँ पे लॉक हो गया है। अब बस इसको ऐसे उठा के और इसमें डाल देना है। ये नया मॉडल आया है, हम एक जगह देखने गए थे कि ये कैसे काम करता है, फर्स्ट टाइम हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ देखने गए थे वहाँ पे मॉडल इसका अलग था, लेकिन इसका मॉडल कुछ अलग है, तो हमें समझने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पे रस्सी लगाकर इसको ऐसे टांग दिया जाता है, और जब इसमें पानी भरता है तो इसके वजन से ये नीचे की तरफ ऐसे होता है, और जो हमारा नीचे का ये पाइप है वहाँ पर वाटर रबड़ लगा हुआ था, मैंने रबड़ आपको पहले ही दिखाया, और जैसे ये नीचे दबता है तो पानी यहाँ से जाना बंद हो जाता है, और जैसे जैसे इसमें से मुर्गियाँ पानी पीती हैं और ये हल्का होता है तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और पानी फिर से वापस आने लगता है। तो ये हमारा ड्रिंकर ऐसे ही काम करता है। पहले हमने छोटा ड्रिंकर दिखाया और ये बाद में बड़ा ड्रिंकर दिखाया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।